पता था ना 7 बजे सेशन है, ये वाली गलतियां क्यों करते हो फिर आप लोग। चलो फिर देखो आज के सेशन में आप लोगों को क्या क्या पता मैम, चल। गुड इवनिंग। 4 मंथ्स में आप लोग नीट के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हो वो डिटेल्स आपको मिलेगा, मतलब एक क्लियर कट आइडिया आपको लग जाएगा कि आप लोग अब कहाँ पे लाए कर रहे हो, आपको कितनी मेहनत करने की जरूरत है, वो चीज है। ठीक है तो स्टार्ट करें सेशन। यस सही। मैम। कैमरा तो ऑन किया नहीं है किसी ने। अच्छा कोई मुझे बता सकता है कितने दिन बचे हैं नीट एग्जाम में? 140 डे अप्रोक्स। अप्रोक्स नहीं, एग्जैक्ट। मैम 5 मई को है। हाँ 5 मई को है तो 4 मई तक के डेज काउंट करो। मैम 143 डेज। 4 मंथ और मैम 19 डेज। 143। मैम 140 डेज के समथिंग। चलो अप्रोक्स हम मान लेते हैं कि वी हैव 140 डेज। यस मैम। अब तक आप लोगों ने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है उसको हम ध्यान नहीं देंगे, लेकिन आज से आप लोग पढ़ना स्टार्ट करोगे ये मैं एक्सपेक्ट करके चल रही हूँ आप लोगों से। ठीक है तो हम 140 डेज का ही प्लान, मतलब अभी मैं आप लोगों को यही बताऊंगी कि आपको 140 डेज तक कैसे आप लोगों को पढ़ के चलना है। एंड अब से जब भी आप लोगों के टीचर्स आपको पढ़ाएंगे ना तो टीचर्स की फर्स्ट स्लाइड पे लिखा हुआ होगा अब से डे 1 एंड डे 2, या फिर टीचर्स की स्लाइड पे जैसे हमारे पास आज से 140 डेज, 139 डेज लेफ्ट, 138 डेज लेफ्ट, ताकि आपको हर दिन रियलाइज हो कि हमारा एक एक दिन नीट से कम होता जा रहा है। क्या वो जो आपका दिन पूरा का पूरा दिन वेस्ट कर दिया है उसमें आपने कुछ सीखा, कुछ नया चैप्टर फिनिश किया, कुछ सिलेबस कवरेज किया या नहीं किया? हर दिन आपको रियलाइजेशन होना चाहिए कि मेरा एक दिन वेस्ट हो रहा है, मेरा जो टाइम है वो बिल्कुल कम होता चला जा रहा है। एक दिन ऐसा आएगा कि कल आप लोगों का नीट एग्जाम हो जाएगा। अब अगर मैं आप लोगों से एक बेसिक क्वेश्चन पूछ, आपका कितना कवरेज हो चुका है, तो इसका आंसर आप लोग मेरे को पोल में देंगे। आई जस्ट नीड योर आंसर इन पोल। ओके मैम। बिल्कुल ऑनेस्टली देना, यहाँ पे किसी का नेम मुझे नहीं पता चलने वाला है कि किसी स्टूडेंट ने क्या किया आंसर जाने, कुछ नहीं मैम। अगर आपको लगता है पूरा 100% सिलेबस पढ़ लिया, 100%, 70%, 50, लेस देन 50, मैम आपने क्या बोला, मतलब वो ना रिकॉर्डेड, मतलब सही से वॉइस नहीं आ रही थी। अभी तक मैंने सिर्फ सिंपल चीजें बताई है कि कितने दिन आपके नीट एग्जाम में बचे हैं एंड आप लोग अभी कहाँ लाए कर रहे हो, आप लोगों को आगे कैसे पढ़ाई करनी है। अटेंडेंस फॉर्म सबने फिल कर दिया है, जिसने नहीं किया है मैं फिर से शेयर कर देती हूँ पोल में। आंसर करने के बाद सब एक बार अपनी अपनी अटेंडेंस मार्क करा देना, जल्दी से आंसर करो सबके सब। मैम पोल में ABCD आ रहा है, ओनली ऑप्शंस लिखे नहीं आ रहे। ऑप्शन यहाँ लिखे ना सामने स्क्रीन पे। स्क्रीन पे क्वेश्चन इज व्हाट इज योर स्टेटस ऑफ सिलेबस कवरेज। मैम मेरे को अब आप लोग उस पोल में बेटा ट्राई करना ना, जितने आपके डाउट्स आप सेशन इसके बाद ना सेशन में ही आपका आस्क योर डाउट सेशन होगा, जिसमें जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सब हम लेंगे। ओके मैम। सॉरी मैम। ठीक है 12th कंप्लीट, उसका मतलब 50% कवरेज है आपका, अगर सिर्फ आपका 12th हो रखा है, 11th नहीं है। आप लोग खुद भी जाके देख सकते हो उसमें पोल में कि आप लोग एग्जैक्टली कहाँ पे हो। 50 वोट हमारे यहाँ पास आए हैं, लेस देन 50% सिलेबस कवर्ड पे। मैं तो ये कह रही हूँ जैसे सिलेबस तो कंप्लीट है बट रिविजन भी तो इम्पोर्टेंट है। हाँ, वो रिविजन ही आप लोगों को पता चलेगा यहाँ से कि रिविजन अब कैसे करना है। पहले आपको ये आइडिया होना चाहिए कि आपका सिलेबस कवर्ड है तो वो किस वे में कवर है। आपने सारे चैप्टर पढ़ लिए हैं, नोट्स बना लिए हैं, सिर्फ आप लोगों ने क्या ने उसका रिपीटिव रिवीजन नहीं किया और वहां से PYQ प्रैक्टिस नहीं किया, यही तो दो चीज होंगी ना पूजा। यस मैम। हाँ तो अभी सिर्फ मैं सिलेबस कवरेज की बात कर रही हूँ, आपने एक एक बार चैप्टर पढ़ लिए हैं, नोट्स आपके रेडी हैं, अब आप लोगों को डिटेल्ड लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। मैम
मैम मैंने अगर 11th पूरे नोट्स बना रखे हैं और उसको रिवाइज भी कर रखा है और 12th के भी सारे नोट्स बना रखे हैं और 12th में थोड़ा अच्छे से पढ़ा था बट अभी क्वेश्चंस नहीं लगाए उनके मतलब फिजिक्स के, तो फिर बस फिजिक्स के, तो मेरा 70% सिलेबस ही मैं कवर मानूंगी। 70% कवर मानो। एक बेसिक सा क्वेश्चन है सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए कि अभी आप लोग 130 स्टूडेंट्स हो ना यहाँ पे, तो 130 स्टूडेंट्स में से 105 वोट आए हैं जिसमें से 54 स्टूडेंट ने ऑप्शन डी को सिलेक्ट किया है। तो आप अपने बीच में ही कंपटीशन देख लो, सिर्फ 3 बच्चे ने वोट किया है कि 100% सिलेबस कवर्ड। तब आप देखो आप लोग कहाँ पे लाए कर रहे हो, एंड आप लोगों को कंपटीशन सिर्फ आपके बीच में नहीं है, कितने लाख स्टूडेंट्स के बीच में कंपटीशन है आपका? 24 लाख स्टूडेंट्स के बीच में आपका कंपटीशन है, तो उनके सामने तो आप लोग बिल्कुल बहुत एंड पे चल रहे हो अभी। मैम कुछ नहीं है, है ना, बिल्कुल जीरो। बेटा डरना जरूरी होता है, जब तक डरोगे नहीं तो कुछ करोगे नहीं, रिलैक्स घूमते रहोगे। किसी भी काम के लिए टेंशन लेना बहुत जरूरी है। अब ये स्लाइड देखो, इस स्लाइड को देख के मुझे बताओ समझ क्या आ रहा है आपको इससे? हैंड रेस करेगा जिसको समझ आ गया, हैंड रेस। यस रेशम, डर के आगे जीत है। नैन्सी बताओ क्या समझ आ रहा है इस इमेज से? मैम डिस्ट्रैक्शन जैसे पार्टीज वगैरह से, फोन वगैरह से, तो उसको मतलब नो थैंक्स, वी आर बिजी। ओके, और आदित्य बताओ। मैम वो इसमें हेल्प कर रहे तो भी इसमें स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क का कुछ ऐसा लग रहा है। मैम इसमें ऐसा लग रहा है ना कि ये जो पिक्चर है ना, ये मेहनत तो बहुत कर रहा है, पर ये जो साथ वाला है ये इसकी हेल्प करना चाहता है, पर ये नो थैंक्स बोल रहा है। मैम इसमें ये बताया गया है सही राह दिखाया जा रहा है। मैम मैं बोलू, मैम बोलो पूजा, मैम मैं बोलू एक एम मैं भी बोल सकती हूँ, मैम इसमें ये है कि स्मार्ट वर्क मतलब स्मार्ट वर्क करने में हमारी कोई हेल्प करता है तो हमें हार्ड वर्क करते ही रहना, मतलब किसी की हेल्प मतलब किसी का एहसान वगैरह फिर कुछ वो नहीं लेना, अगर हम हार्ड वर्क करेंगे तो भी हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। मैम मुझे चलो बताओ, मैम इसमें ना ये बताना चाह रहे हैं जैसे कि ये जो दो लोग हैं ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन जो ये लोग दो लोग ना मतलब अपनी गाड़ी को धक्का तो लगा रहे हैं, ये लोग मेहनत तो पूरी कर रहे हैं लेकिन लोगों को ना उतना रिजल्ट नहीं मिल पा रहा कि ये लोग जल्दी पहुंच पाए, लेकिन जो ये इनके पीछे बंदा खड़ा है ना ये ऑलरेडी शायद इसने वो चीज इन्वेंट कर चुका है या उसने वो चीज का पता है कि इसको वो चीज पता है कि अगर ये अपनी कार्ट में व्हील एड कर दे जो कि सही है एक कंपोनेंट उस कार्ट के लिए, तो ये लोग आसानी से और जल्दी वहां पे कम मेहनत में भी पहुंच सकते हैं स्मार्ट वर्क के जरिए। एग्जैक्टली, तो सेम चीज क्या आपके टीचर्स नहीं कर रहे हैं आपके साथ? ये जो यहाँ पे दो आप नो थैंक्स बोल रहे हो तो बच्चे बोल रहे हैं नो थैंक्स हमें हेल्प नहीं चाहिए, तो वो कंडीशन आप लोगों की है। हम लोग आप लोगों के लिए डेली क्लासेस लगाते हैं, आप लोगों के लिए ओरिएंटेशन सेशन रखता है, आप लोग आते हैं वो लीव करके चले जाते हैं नो थैंक्स बोल के टीचर्स को, तो यहाँ पे वो काम कर रहा है। लेकिन हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं जो यहाँ पे थर्ड पर्सन करने की कोशिश कर रहा है, मेहनत आप कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है मेहनत नहीं कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो लेकिन आप अपनी मेहनत को और ज्यादा एनहेंस कर सकते हो। अगर ये यहाँ पे इन कार्ड की जगह पे सर्कुलर व्हील्स लगा ले तो ये और स्पीड से पहुंचेंगे ना अपने गोल पे। यस मैम, यस मैम, हम लोग भी तो ये ट्राई कर रहे हैं आप लोगों के साथ, लेकिन आप लोग तो नो थैंक्स आदत पड़ गई है आप लोगों को नो थैंक्स बोलने की, क्लासेस में नहीं आना है डेली। मैम डेली जी है तो सेल्फ स्टडी करेंगे, हम तो खुद से पढ़ेंगे, हम यूट्यूब से करेंगे, हम सेल्फ स्टडी करेंगे, क्लासेस में आके टाइम वेस्ट होता है ये होता है, लेकिन टीचर्स आप लोगों के थर्ड पर्सन का काम कर रहे हैं, आप लोग एग्री नहीं करते हो जिससे। आया समझ में टीचर्स का रोल आप लोगों की लाइफ में क्या है? यस मैम,
यस मैम यस मैम। तो ये मैं आप लोगों को एग्जैक्टली समझाना चाहती थी कि आज का जो सेशन है ना वो बिल्कुल इस पिक्चर के जैसे है। आप लोग जो अपनी मेहनत कर रहे हो लेकिन उतना रिजल्ट्स नहीं आ रहे आप लोगों के, तो उस रिजल्ट्स को आप कैसे एनहेंस कर सकते हो, आप अपने गोल तक बहुत जल्दी कैसे पहुंच सकते हो, तो उसके लिए हम आपकी जर्नी में सिर्फ ये सर्कुलर व्हील्स लगाने वाले हैं। ठीक है, मतलब आप डायरेक्शन दोगे? नहीं, डायरेक्शन आपको व्हील्स भी देंगे, आपको इन व्हील्स को कैसे लगाना है सब कुछ बताएंगे, ताकि आप सिर्फ चलते जाओ, आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। ओके मैम, करना है लेकिन ये नहीं पहुंच पाएंगे, कौन पहले पहुंच जाएगा, बिकॉज नीट में क्लियर आप लोग कर लोगे, मतलब नीट एग्जाम सब दे दोगे, लेकिन सबसे पहले कौन पहुंचेगा वो है ना वहां पे रेस, रैंक के ऊपर कॉलेज मिलता है। Yes, मिलता है ना रैंक के ऊपर कॉलेज। पहुंच तो ये भी जाएंगे, पहुंच ये भी जाएंगे डेस्टिनेशन तक, लेकिन रैंक कम रह जाएंगे इनकी। यस मैम, हम लोगों को सिर्फ मेहनत नहीं करनी है, हम लोगों को मेहनत ऐसे करनी है कि हम सबसे पहले अपने रास्ते तक पहुंचे, तभी तो हमारा सिलेक्शन होगा ना। ऐसे थोड़े ना कि हम बस चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं, हमें नहीं पता हमें कितनी स्पीड में एनहेंसमेंट करना है अपना, क्या चेंज करना है क्या नहीं करना है, वो चेंजेस आप लोगों को पता चलेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलो अब आता है नेक्स्ट चीज हमारे पास, हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क में डिफरेंस। अब इस इमेज को देख लो, एंड इसके साथ साथ हमारे पास जिस स्टूडेंट का वेट कर रहे थे ना एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हर्षिता, उसने ज्वाइन कर लिया है, एक्चुअली उसका कल एग्जाम है स्टूडेंट का, फिर भी उसने बोला कि नहीं मैम मैं अपने जूनियर्स की हेल्प करने के लिए आ जाऊंगी एक बार, तो उसे वो 15 मिनट्स के लिए है, पहले हम लोग उससे बात कर रहे थे। हर्षिता आर यू देयर? यस मैम। हाँ तो बच्चों, शेज हर्षिता ये हमारे साथ लास्ट ईयर वाले बैच में थी, एंड उसने अपना जस्ट 12th फिनिश होते ही, मतलब 12th के साथ साथ ही नीट क्रैक किया था, 12th के साथ। जो अभी आप लोग हो ना 12th में, अब बेटा कैमरा ऑन है हर्षिता दीदी का, देखो सबके सब, एंड उनको लेडी हार्डिंग अलॉट हुआ है जस्ट 12th के बाद, एंड उन्होंने मैक्सिमम अपना सेल्फ स्टडी से किया है। तो हर्षिता, एंड हर्षिता आपका स्कोर कितना था एग्जैक्टली? मैम 571 फर्स्ट अटेम्प्ट में। ये दिया मैम, आप एससी हो? हाँ वो एससी कैटेगरी से। ओके ठीक है, तो मैम अगर ओबीसी वाले होते तो उनको कितनी जरूरत पड़ती? वो भी बताऊंगी एंड में। ठीक है, जनरल वालों के लिए कितनी बताऊंगी। अब दीदी आप जनरल कैटेगरी से हो? नहीं, वो एससी कैटेगरी से है हर्षिता, एससी कैटेगरी से है। अभी वो आपके साथ शेयर करेंगे कि आपको 4 मंथ्स में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हर्षिता स्टार्ट करेंगे जो आपको नहीं करना चाहिए, जो गलती मे भी हर्षिता भी कर रही होगी अपने टाइम पे, लेकिन उसने उसमें इम्प्रूवमेंट किया, उसको सही किया, तभी वो सबसे पहले पहुंची नीट एग्जाम में। सबसे पहले इन द सेंस टाइम से पहले पहुंचना नहीं, रैंक अच्छी लेके आई। ठीक है हर्षिता, आप अपने अकॉर्डिंग बता सकते हो। गाइज आप लोग टेस्ट दे रहे हो? तो सिर्फ टेस्ट दे रहे हो या फिर एनालाइज भी करते हो बाद में? मैम एनालाइज भी करते हैं, इवन कॉपी बना ली है, मिस्टेक कॉपी। यस दीदी जी, जैसे मैं अपनी बता रही हूँ, मैंने, मेरे पास टाइम नहीं था, मेरे पास 12th के बोर्ड्स भी थे, और मतलब मेरे लिए 12th के बोर्ड्स भी इम्पोर्टेंट थे और नीट भी इम्पोर्टेंट था, मुझे इसी बार ही करना था ऐसा था, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था। ये टाइम होता भी है तो शायद हम छोड़ देते हैं ये सोच के कि पेपर कर लेंगे बाद में, दे देंगे एग्जाम दे देंगे, पहले सिलेबस कंप्लीट करते हैं, है ना? ऐसा शायद आप लोग भी सोचते होंगे कि पहले सिलेबस कंप्लीट करते हैं। जी दीदी सोचते हैं, सोचते हैं ना, कभी कभी मुझे भी आता था, और लिटरली मैंने टेस्ट ऐसे छोड़े हैं, मैंने नहीं दिया कोई भी टेस्ट, और ये गलती मेरे को बाद में रियलाइज हो गई थी जब मैं लास्ट, मेरे पास लास्ट 1 मंथ था जिसमें मुझे रिवीजन भी करनी थी और मुझे टेस्ट प्रैक्टिस भी करना था, और मेरे लिए वो बहुत हार्ड था, सच में हार्ड था। मेरे को एक दिन में दो दो टेस्ट देने पड़ते थे और मैं नहीं बैठ सकती, 3 घंटे पेपर देने नहीं बैठ सकती थी मैं, मेरे लिए बहुत हार्ड था, मेरे को आदत नहीं थी पहले से। और 11th 12th में भी ना पेपर जो हुए थे वो एमसीक्यू टाइप थे। यस हाँ हुआ था दीदी, हाँ हुआ था, इवन फुल सिलेबस भी नहीं आया था। हाँ
इसलिए मेरे को आदत नहीं थी और वो लास्ट का मंथ मेरे को बहुत हार्ड लगा, तो इसलिए मैं सबसे पहले यही कहूंगी कि सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा, तुम सिलेबस कंप्लीट की चिंता मत करो, तुम पहले टेस्ट देते रहो ठीक है, और टेस्ट देना ही नहीं होता है, टेस्ट को बाद में एनालाइज करना होता है, जो क्वेश्चन तुम्हारे आउट ऑफ सिलेबस से आया जो तुमने अभी करा ही नहीं है उसको छोड़ो, उसकी कोई बात ही नहीं है, लेकिन जो तुम्हारा करा हुआ भी गलत हुआ है ना उसको अच्छे से एनालाइज करना है कि वो क्यों गलत हुआ है, तुम्हारा कंसेप्ट कहाँ हिला हुआ है। दीदी आपका जो एसी सर्टिफिकेट था वो दिल्ली का ही अवेलेबल था कि स्टेट वाइज था, मतलब ऑल इंडिया चला था, मतलब नीट में चल गया था कि नहीं चला था? बिकॉज मैं भी एससी हूँ बट मेरा दिल्ली का सर्टिफिकेट नहीं है, यूपी स्टेट का है। प्राची वो वाले डाउट्स मैं आपके क्लियर करा दूंगी बाद में, अभी आप ना एकेडमिक वाले पूछ लो उनसे। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, मेरी फिजिक्स सबसे अच्छी थी। क्यों होता है कि मतलब जो भी मैं नीट एप्लीकेंट को देखती हूं फेवरेट होता है, बट मेरा तो है ही नहीं उसमें, मेरी नहीं, ये बात नहीं है, आप गलत कह रहे हो। मैंने जितने भी नीट एस्पिरेंट्स को देखा है उनका फिजिक्स सबसे हार्ड सब्जेक्ट उनको फिजिक्स लगता है, पता नहीं क्यों। टॉपर की बात कर रही हूँ, टॉपर की बात कर रही हूँ। टॉपर्स के लिए तो सभी इजी होते हैं, उनके लिए फिजिक्स क्या, उनके लिए सब इजी होता है। पूछना था कि आप इनऑर्गेनिक को कैसे करते थे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को? इनऑर्गेनिक को मैंने एक बार पढ़ा है, लेक्चर लिया है मैंने एक बार, उसके बाद से मैंने उसकी रिवीजन करती रही हूँ, रेगुलर रिवीजन। रेगुलर मीन टू से ऐसा रोज रोज तो पॉसिबल नहीं होगा कि मैं साथ में कोई दूसरा चैप्टर चल रहा है और फिर मैं पिछला भी सारे रिवाइज करूँ, लेकिन हाँ ना अल्टरनेट डेज मैंने रिवीजन किया, इनऑर्गेनिक की खूब रिवीजन किया है, और मैं आपको भी ये सजेस्ट करूंगी कि रिवीजन इज द की। मैं करती हूँ पर मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ याद नहीं है, मतलब वो भूल रहे हैं सब बार बार इनऑर्गेनिक। कैसे की होगी फिजिकल केमिस्ट्री? मैंने कॉन्सेप्ट समझा, उसके बाद मैंने फॉर्मूला लिख लिया, जैसे फिजिक्स के लिखते हैं ना फिजिक्स के, आप फॉर्मूला नोटबुक बना रखे आप लोगों ने? हाँ बना रखी। नहीं बना रखी है तो अभी भी बनानी है, आपके पास टाइम है अभी भी, और ये लास्ट मंथ है, इनमें आपकी प्रिपरेशन अच्छी भी हो सकती है और आप इनको कुछ नहीं करके, हार्ड वर्क करके, स्मार्ट वर्क ना करके खराब भी कर सकते हो इन लास्ट मंथ में। दीदी एमबीबीएस की जर्नी कितनी डिफिकल्ट है नीट से? क्या MBBS की जर्नी भी बहुत डिफिकल्ट है क्या नीट के कंपैरिजन में? तुम अभी MBBS क्यों सोच रहे हो? मतलब ये वर्थ इट तो होगा ना, मतलब बैकआउट तो नहीं करना पड़ेगा ना फील्ड में आने के लिए? नहीं, ओनली अवंती से स्टडी की थी या फिर कोई टेस्ट सीरीज या फिर कोई कोचिंग वगैरह ली थी? नहीं मैंने कोई कोचिंग तो नहीं ली थी, मैं लास्ट कभी कभी अटेंड कर ले थी अवंती की साइट से, और मैंने टेस्ट तो आपको पता है मैंने बता दिया, मैंने टेस्ट सीरीज कोई भी नहीं की है, मैंने लास्ट में आके सिर्फ आकाश के टेस्ट दिए थे बस। दीदी अगर हमें फिजिक्स स्ट्रांग बनाना तो हम कैसे पढ़े फिजिक्स ये बताओ आप, और उसमें ना कॉन्सेप्ट क्वेश्चन जल्दी होते नहीं है। हाँ एक एक करके क्वेश्चन पूछो। अर्षिता आप इनको फिजिक्स का बता दो, मैंने इनको एक बार सबको म्यूट कर दे रही हूँ नहीं तो बोलने नहीं देंगे। आप लोग अपने ट्राई करो चैट सेक्शन में। एक सेकंड अर्षिता मैं आपको होस्ट बना रही हूँ, आप बोल पाओगे, गिव मी अ सेकंड। मेन जो आप लोगों का इश्यू है बच्चों वो है आप लोगों का फिजिक्स के साथ, ठीक है? हर्षिता आप म्यूट करो, अनम्यूट करो। अब इनको फिजिक्स के बारे में बताओ अभी कि फिजिक्स कैसे करें। सो गाइस फिजिक्स ना मेरे को फिजिक्स अच्छी लगती थी, लेकिन फिर भी ना मेरे को कंसेप्ट एक बारी में पढ़ के समझ नहीं आते थे, कुछ कुछ कंसेप्ट थे ऐसे, तो बस उसको ना मैंने बार बार देखा है, मैंने उसी सेम टीचर से वो कंसेप्ट बार बार समझा है, सुना है, देन उसके बाद मैं मुझे समझ आया, मुझे याद तो तब भी कुछ नहीं होगा लेकिन हुआ था, लेकिन मुझे समझ आ गया कि हाँ ये चीज इसलिए हो रही है, और एक बार जब आपको समझ आ जाए ना कि ये चीज क्यों हो रही है तो शायद आपको फॉर्मूला भी रटने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है? और जब कंसेप्ट समझ में आ जाए तो उसके बाद आप जितने भी आपके फॉर्मूला पूरे लेक्चर के नोट्स में बने हैं आप उसको फॉर्मूला नोटबुक में लिखिए और फिर उसको रिवाइज करिए उन फॉर्मूला, क्योंकि आपको भी पता है नीट जो है वो मोस्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं फिजिक्स में,
ठीक है, तो मोस्टली क्वेश्चन तो फॉर्मूला लगा के ही सोल्व हो जाते हैं, ऐसा कोई रेयर ही क्वेश्चन आता है जिसमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट लग रहे होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आते हैं। तो बस आपको कॉन्सेप्ट ठीक से समझना है, आपको एक बारी में समझ नहीं आया है आप दोबारा करिए उसको, तीसरी बार करिए आप उसको, बस कॉन्सेप्ट को समझने के ये तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, फॉर्मूला रट जाना है बाद में, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब नोट डाउन कर लो जो आपको बता रही हूँ कि फिजिक्स में आप लोगों को अपनी फॉर्मूला नोटबुक बनानी है, ठीक है, तो जिसने नहीं बनाया वो बना लेना। एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हर्षिता ने बताया कि इनऑर्गेनिक में आपको रिपीटिव रिविजन्स करना है, किसी भी एक टीचर को आप फॉलो करें उसी टीचर के रिपीटिव आप लोगों को लेक्चर्स देखना है, ठीक है। सेल्फ, अच्छा हर्षिता आपका सेल्फ स्टडी आवर्स कितना था? एक्चुअली मैम मेरे लिए पढ़ाई और नींद दोनों इम्पोर्टेंट थी, तो मैं 12 आवर्स ना मैं अपनी नींद में दे देती थी, क्योंकि मेरे से जब आधी नींद होती है तो मेरे से पढ़ाई नहीं होती, तो मैं 12 आवर्स नींद के लिए रखती थी। और जो बाकी के 12 आवर्स थे ना उनमें से मेरा 8 आवर्स तो ऐसे था कि मुझे 8 आवर्स तो कंटिन्यू स्टडी, कंटिन्यू मिंटू से, विदाउट ब्रेक नहीं, कंटिन्यू स्टडी मिंटू से, कि मुझे 8 आवर्स तो स्टडी करनी करनी है। और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि स्टडी आवर्स पर डिपेंड नहीं करती है, तुम्हारा कंसेंट्रेशन होना चाहिए। एंड आपने स्कूल के साथ, बिकॉज अभी बच्चों का रहता है ना पूरा दिन तो स्कूल में निकल जाता है, स्कूल के बाद बहुत कम टाइम मिलता है, तो स्कूल इन लोगों को बोर्ड पे फोकस करना चाहिए या नहीं, और जो प्रैक्टिकल्स में इतना टाइम लगा रहे हैं लोग? प्रैक्टिकल्स में तुम लोग टाइम लगा रहे हो, प्रैक्टिकल्स हमने मैंने तो एक दिन पहले पढ़ के ऐसी गया, मेरे को सिर्फ फाइल बनानी पड़ती थी, मेरा टाइम वेस्ट वही होता था प्रैक्टिकल्स के लिए, तो मुझे फाइल बनानी है। प्रैक्टिकल्स तो एक दिन पहले पढ़ के चले जाओ, कुछ नहीं होना है तुम्हें, परफॉर्म करना है, वहां जो बाहर से एग्जामिनर आएगा ना वो भी तुम्हारे इजी इजी क्वेश्चन पूछेगा, वाइवा भी बहुत इजी होता है, उसकी टेंशन मत लो, बोर्ड्स की टेंशन मत लो, तुमने नीट के लिए सच में नीट के लेवल का पढ़ा हुआ है तो तुम्हारे लिए बोर्ड्स बहुत इजी होंगे, बहुत। इन लोगों को डर रहता है कि बोर्ड्स में हम फेल ना हो जाए, फेल नहीं होता कोई भी, तुम लोगों ने पढ़ाई नीट के लिए की है यार, तुम फेल कैसे हो जाओगे? मुझे डर नहीं था, मेरे 91% आए 12th में, और मैंने नीट के लिए ही पढ़ा था, मैंने कोई स्पेशली बोर्ड्स के लिए नहीं पढ़ा था, मेरा बोर्ड्स आने तक सिलेबस कंप्लीट हो चुका था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बड़े डाउट है बच्चों को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बार बता। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए शॉर्ट नोट्स बनाने हैं आपको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, आपको इस तरीके से याद रखना है कि आपको नेम से रिएक्शन याद रहे, ओके, नेम से रिएक्शन याद रहनी चाहिए। और बाकी बस लास्ट में रिवीजन ही कहूंगी, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, रिपीटिव रिवीजन करते रहिए। एंड अगर हम फिजिक्स में क्वेश्चन की बात करें तो क्या PYQ सॉल्व करना इनफ था आपके लिए? फिजिक्स में मैंने PYQs सॉल्व करे हैं, मेरे पास दिशा की बुक थी PYQ की, और जो NCERT के एग्जाम्पल्स है ना, NCERT के एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो बहुत हाई लेवल के हैं, और उसमें से रेयरली कोई आता है, नहीं आता NCERT के एक्सरसाइज में से नहीं आता, लेकिन एग्जाम्पल्स जो है वो बहुत अच्छे हैं, मैंने वो सॉल्व करे हैं और PYQs सॉल्व करे हैं। और बाकी अगर तुम्हें कंसेप्ट समझ में आ जाए तो बस उसके बाद तुम कर लोगे थ्योरी वाले क्वेश्चन, तो कर लोगे फिजिक्स के फिर। हाँ, तो थ्योरी वाले क्वेश्चंस हो जाएंगे, तो मेन फोकस करना है बच्चों अब से आप लोगों को फिजिक्स के सारे PYQs लगाना है, इवन केमिस्ट्री और बायो में भी सेम है, PYQ से तो काफी पेपर आता है जी, PYQs तो आपको सभी के करने हैं, मेरे पास तीनों बुक थी बायो केम एंड फिजिक्स, PYQs की तीनों बुक थी। एंड मेन रिपीटिव रिविजन करना है, ऑर्गेनिक में आपको शॉर्ट नोट बनाना है, रिएक्शन बाय नेम से याद रखना है, ठीक है। सेल्फ स्टडी आर आप लोगों को पता चल गया, 8 to 10 hours आप लोग स्कूल के साथ ही मैनेज कर सकते हो। 11th को करने का भी मेन वही तरीका है कि 11th का भी आपको एक बार सारे लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ने होंगे, एंड देन आप लोग PYQs करना शुरू करो, ठीक है। प्रज्ञा बुक्स, ये सर से बताओ, NCERT को रीड करा करो, NCERT में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक रीड करा करो, ठीक है। और बायो तो तुम्हें पता ही है, बायो कहने की जरूरत नहीं है, वो तो NCERT रीड करनी है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक NCERT में से रीड करा करो। तो केमिस्ट्री में भी आपको NCERT फॉलो करनी है, क्या इनको बायो में आउट ऑफ NCERT जाना चाहिए? इनको लगता है आउट ऑफ NCERT पढ़े या कुछ? नहीं, प्लीज आउट ऑफ NCERT मत जाओ, बिल्कुल भी मत जाओ, ऐसा मुझे फील हो गया पेपर देके कि आउट ऑफ NCERT का करना नहीं चाहिए।
आउट ऑफ एनसीईआरटी कुछ नहीं आता बच्चों, तो मतलब अगर आपका एनसीईआरटी 100% हो गया तो उसके बाद आप सोचना कि आप थोड़ा आउट ऑफ एनसीईआरटी, वो भी पीवाईक्यूज के बेस पे आपको जाना है, नहीं तो वैसे नहीं जाना है, ठीक है। अच्छा इनका ये है कि सुबह पढ़े, बेटा सुबह पढ़े या रात पढ़े वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपके फोकस पर डिपेंड करता है ना। मेरे को रात को था, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकती तो मैं सुबह नहीं पढ़ती थी, मैं 12 बजे तक सोती थी, सुबह 6 बजे से या 4-5 बजे से 12 बजे तक सोती थी, फिर मैं 1 बजे 2 बजे दोपहर के पढ़ना शुरू करती थी, तो मेरे से सुबह नहीं पढ़ा जाता, मैं रात को पढ़ती थी। ये उन्होंने किया है, तो बेटा रैंक अच्छी थी, रैंक मैं बता दूंगी आपको कितनी थी। अच्छा रैंक हर्षिता याद है आपको कितनी थी? मैम अराउंड 40,000+ थी, मुझे एग्जैक्ट नंबर तो ऐसे याद नहीं है, वो मैं बता दूंगी बेटा आप लोगों को रैंक क्या था। तो आई गेस अब तो कोई आपका डाउट नहीं होगा। अच्छा स्कूल्स भी तो हर्षिता आप एंड तक जाते थे ना, अच्छा कब तक स्कूल गए आप? मैंने मैम स्कूल बहुत मिस करे हैं, मैंने स्कूल मिस करा है, मैं स्कूल नहीं जाती थी। और वो स्कूल में जो धमकी दिया जाता है कि अटेंडेंस मेंटेन करो, 75% नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। लोग बोलते हैं कि अटेंडेंस नहीं मेंटेन किया तो स्कूल में बोर्ड एग्जाम नहीं देने देंगे, वो नहीं करने देंगे। लास्ट में टीचर आपको जरूर आपको लिख के दे देगी कि आप एलिजिबल हो बोर्ड्स के लिए, वो बिल्कुल नहीं रोकेगी अटेंडेंस के बेसिस पर आपको बोर्ड्स के लिए। तो ठीक है बच्चों, ये चीज आपको समझ आ गई है ना कि अटेंडेंस पे ज्यादा फोकस मत करो, ज्यादा से ज्यादा फोकस आप लोग अपनी सेल्फ स्टडी आर्ट्स पे करो, घर पे बैठ के अच्छे से पढ़ाई शुरू करना स्टार्ट करो, ठीक है। स्कूल से आने के बाद, अच्छा स्कूल से आने के बाद कैसे पढ़ाई करते थे हर्षिता आप एक बार वो बता दो अपना स्कूल के साथ टाइम टेबल। हाँ जी, मैं स्कूल से अराउंड 2 आ जाती थी, तो मुझे मतलब दोपहर का पढ़ना आदत हो गई थी मेरे को कि मेरे को दोपहर को ही पढ़ना है, तो मेरे को अच्छा लगता था। फिर मैं 3 बजे से या 3:30 बजे से मैं पढ़ने लग जाती थी, सिर्फ थोड़ा सा रेस्ट करके, क्योंकि वो मेरे लिए स्वीट टाइम था, मेरे को अच्छा लगता था उस टाइम में पढ़ना। तो मेरे को ऐसे नहीं होता था कि मैं थकी हुई हूँ, ये है वो है, नहीं ऐसे नहीं होता था मेरे साथ। मैं स्कूल से आके पढ़ लेती थी। तो स्कूल से आके कब तक पढ़ते थे? स्कूल से आके मैं 3 बजे से स्टार्ट करके रात तक, जब एक्चुअली मेरा ये था, मेरे को दिन का ना सेट करके रख, मैं सुबह सोच के रखती थी कि मुझे आज इतना करना है, इतना करना है, ठीक है, डेली टारगेट्स सेट करके रखती थी अपने। हाँ जी, मेरे टारगेट्स थे कि मुझे आज ये चैप्टर रीड करना है, तो फिर मैं उसे करके ही सोऊंगी फिर मैं रात को। तो ये था बच्चों, आई होप आप लोगों के मैक्सिमम डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब हर्षिता का एग्जाम है कल, तो उनको पढ़ाई करनी है, ठीक है। बाकी जो डाउट्स होंगे आप लोगों के आप मुझे बता देना, मैं हर्षिता से आप लोगों के डाउट रिजॉल्व करा के आपको बता दूं। थैंक यू हर्षिता आपने ज्वाइन किया, थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट। आप लोग अब अनम्यूट करके थैंक यू बोल सकते हैं। थैंक यू दीदी, थैंक यू दीदी, कर दो बस। अब जो भी डाउट्स है आपका मैं और खुशबू मैम लेंगे। खुशबू मैम है आगे से यहाँ पे, है आगे से यहाँ पे। मैम खुशबू मैम का कैमरा नहीं ऑन, की रीडिंग करनी होगी। क्या बोल रहे हो मैम? मार्क्स कितने थे नीट में? 547 समथिंग थे उनके मार्क्स, 571 बताया था। यस मैम, 40,000। मैं आपको बता दूंगी बेटा, रैंक भी भेज दूंगी, बट इनका रैंक एससी कैटेगरी से था, तो जितने भी एससी कैटेगरी वाले बच्चे हैं ना उनको तो पता ही रहता है उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। मैम जनरल वालों को बताओ, मैम ओबीसी वालों को बताओ आप, मैम जनरल वालों को बता दो बस आप। मैम ये सब तो मैम कैटेगरी वाले तो मैम निपट लेते हैं, मैम कैटेगरी में, मैम जनरल वालों को। सब चुप हो जाओ, अभी म्यूट कर लो अपने आप को, अभी ध्यान से सुनो। हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क में डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ रहा है इस इमेज के थ्रू, कि या तो आप हार्डवर्क करके, जैसे क्रो वाला एग्जांपल मैंने यहाँ पे डाला हुआ है कि इससे क्या हो रहा है आपका, या तो आप उसके अंदर कंकड़ डाल के उसको फिल करो पानी ऊपर आ जाएगा, या आप स्ट्रो लगा के उससे पी लो। बात आपको क्या है, नीट एग्जाम क्लियर करने से है ना। इसको क्रो का मेन मकसद क्या है यहाँ पे, पानी पीना, या मेहनत कर लो या स्मार्ट वर्क कर लो। तो मेन चीज है, मेहनत करने का टाइम तो नहीं बचा है ना आप लोगों के पास, कि आप लोग पूरा एक डेट एक साल आप, तो आप लोगों को क्या करना है, स्ट्रो लगा के पानी पीना है, ये चीज ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए।
स्मार्ट वर्क आज से आप लोग फॉलो करेंगे, इस लाइन को पढ़ो जरा और मेरे को हैंड रेज करके बताना क्या समझ में आया। एंड आप लोगों के पेरेंट्स आप लोगों के पास है ना? यस मैम। ठीक है, हैंड रेज करो एंड टेल मी। मैम मैं बताऊं? चलिए बताओ। मैम इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि इसमें लिखा है कि हमारा जरूरी नहीं है कि हम जो भी करेंगे, मतलब कि हम सारा कुछ ही करें, या फिर आई मीन हम कुछ ज्यादा ही बेटर तरीके से करें। हमें जो भी करना है हमें उसमें सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। आई मीन उसमें हमें इसका मतलब ये है कि आपको अपने अंदर हर दिन इम्प्रूव करते जाना है, अपने अंदर हर दिन इम्प्रूवमेंट। अब तक आप क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे डजंट मैटर, बट अगर आज के सेशन लेने के बाद भी, इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर आप लोग सेम ट्रैक पे चल रहे हो, जो कल आप रूटीन फॉलो कर रहे थे, जो आज आपने पूरा दिन किया, अगर कल भी वही कर रहे हो, तो इट मीन्स आप मेरी सारी मेहनत और खुशबू मैम की सारी मेहनत वेस्ट करा रहे हो। जो हर्षिता ने आपको आके हाफ आवर दिया, उनका कल एग्जाम है टर्म 1 MBBS का, तब भी वो आके आप लोगों को समझाने आई है। तो थोड़ा सा एफर्ट्स देखना आप लोगों के लिए, जो एफर्ट्स लगा रहे हैं वो इमेज याद रखना जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी, रोल ऑफ टीचर वाली, कि टीचर का एग्जैक्टली रोल क्या है। ठीक है, जब भी ध्यान आए ना, क्लास मिस कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो, वो ध्यान रखना। नेक्स्ट चीज आती है कि आपके पेरेंट्स का क्या रोल है आपके लाइफ स्टाइल में, आप जो ऑनलाइन क्लासेस लेते हो उसमें। अच्छा, किसी स्टूडेंट के पेरेंट्स है पास में? किसके हैं? मेरे पेरेंट्स हैं। मेरे पेरेंट्स भी हैं। हाँ, चलो साक्षी की भी है। या तो खुशबू मैम एक बार ना, आई वांट कि आप लोग अपना कैमरा ऑन कर लो, जिस जिसके पेरेंट्स हैं, मैं आपके पेरेंट्स से बात करनी है, जस्ट फॉर 5 मिनट। आप जो भी वो काम कर रहे हो उनको बोलो बस 5 मिनट एक बार हमारे टीचर्स से बात कर लो। ओके मैम। कैमरा मैम जरूरी है बेटा, आप ही लोगों के लिए। अब आप वो बोलोगे नो थैंक्स बोल के आप निकल जाओगे? नहीं नहीं मैम, करवाते हैं अभी। अच्छा, जिसके पेरेंट्स है अभी वो हैंड रेज करके वो बात करा दो, नहीं कैमरा ऑन कर रहे तो ऐसे ही करा दो। साक्षी के पेरेंट्स है अभी। खुश मैम आप साक्षी के पेरेंट्स से बात। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग मैडम। हाँ जी नमस्ते। हाय मैम। गुड मॉर्निंग मैडम। नमस्ते मैम। हाँ जी, पहले पूजा की मदर है। हाँ, पूजा की मम्मी हूँ मैं। हाँ जी हाँ जी, कैसा कर रही है मैम पूजा? अब देखो मैम, काम वाम तो कुछ करने नहीं देती, पढ़ाई में लगाई हूँ, देखो क्या करती है ये, कुछ नहीं करने देती हूँ मैं। आप मतलब आप उसके आसपास तो रहते होंगे ना जब वो स्टडी कर रही होती है, मतलब ये तो नहीं ना कि बुक हाथ में है लेकिन वो यूज फोन कर रही है, ऐसा तो नहीं है ना? मतलब अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में ही लगा रही है ना पूजा? हाँ मैडम, ऊपर ये पल्ला बंद करके पढ़ती है। मैं पूछती तो कहती पढ़ती हूँ मैं, अब मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, फोन में मैं जान ही नहीं पाई तो क्या करती है ये। हाँ जी हाँ जी मैम, जैसे ना हमारे ऑफलाइन टेस्ट होते हैं संडे को, पूजा को पता होगा इस बारे में, तो पूजा क्योंकि नीट के लिए प्रिपेयर कर रही है, तो मैं आपको भी कहूंगी कि वो जो संडे को टेस्ट होता है हमारा ऑफलाइन टेस्ट होता है, वो वहां पे आए, क्योंकि तभी पता चलेगा कि वो जो तैयारी कर रही है, वो जो प्रिपरेशन कर रही है, वो कितनी उसने अच्छे तरीके से प्रिपरेशन की है। तो मतलब आप, हाँ जी, कहाँ पे भेजो मैडम? वो आपको हम बता देंगे ग्रुप में कि कहाँ पे क्या लोकेशन है, तो वहां पे पूजा जो है आके टेस्ट दे सकती है, क्योंकि जब वो टेस्ट देगी तभी उसको पता चलेगा कि उसकी जो प्रिपरेशन है वो कैसे हुई है, कितना उसने मतलब क्या उसने गलतियां की हैं, उन गलतियों से वो क्या उसको एनालाइज करना है, क्या सीखने की जरूरत है, वो तभी पता चलेगा। ठीक है, हम हाँ जी इनके ऊपर छोड़ दी हूँ मैडम, मैं तो पढ़े लिखे नहीं हूँ, देखने नहीं जाती हूँ क्योंकि मैं कुछ जान ही नहीं पाती हूँ, तो फिर इनके ऊपर छोड़ दी हूँ। अब ये देखो, ये इनको क्या करना है कैसे करना है इनके ऊपर सब कुछ है। पूजा सुन रही हो आप? मम्मी आपसे कोई काम नहीं कराती है ताकि आप पूरा ध्यान अपना स्टडीज पे दो। ठीक है, इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं इनको सरकारी, क्योंकि सारी बात पता है मैडम, मेरे हस्बैंड उतना नहीं पढ़े, वो है वैसे बस रोज कमाना है रोज खाना, इनकी मन है इस चीज में बनना। मैं तो बोली थी और कुछ कर लो, कह रही नहीं मैं यही करूंगी, तो करो। हाँ जी, हाँ जी।
नहीं, देखो आप तो अपनी तरफ से पूरा अपने बच्चे का साथ दे रहे हो, उनको सपोर्ट करती हो, अब उनका काम है पढ़ना, आप सिर्फ उनका साथ दे सकती हो। तो पूजा मैं यही बोलूंगी कि आप अगर पढ़ रही हो, मम्मी कह रहे हैं कि रूम बंद करके पढ़ रही हो, तो उस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है आपको पूजा। वही मैं कितना किसके पीछे पढ़ूंगी, जिसको नहीं पढ़ना होगा तो मैं क्या करूंगी, देख के भी क्या कर सकती हूँ बताओ। मैम जितने भी बच्चों के पेरेंट्स है ना, तो हम उनसे सिर्फ एक चीज कहना चाहेंगे कि आपके बच्चे देखो आपके पास पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम उनको ऑनलाइन पढ़ा देते हैं, क्लास में वो आते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि बच्चे ने ज्वाइन किया हुआ है, वो पढ़ रहा है या फिर उसके साथ साथ कुछ और काम कर रहा है। तो आप सिर्फ एक चीज, मतलब हमें आपकी साइड से सिर्फ इतना हेल्प चाहिए कि अगर आपका बच्चा फोन लेके बैठा है, क्लास ले रहा है, तो वो सिर्फ वही काम करता है, उसके अलावा वो टीवी ना देख रहा हो या कुछ और काम ये सब चीज कुछ नहीं, टीवी भी कुछ नहीं, ये वाली चीज हमें आपकी साइड से हेल्प चाहिए। और हम बच्चे को आज एक टाइम टेबल देंगे कि आपको सुबह 5 बजे उठना है, रात में आपको 12 बजे तक पढ़ना है, तो आप बस उन चीजों का ध्यान रखिएगा कि आपका बच्चा वो चीज कर रहा है या नहीं कर रहा है। आप लोग सेशन एंड तक देखना, हम बच्चों को टाइम टेबल देंगे, आप बस वो ध्यान रखना कि जो मैम ने बताया इतने घंटे पढ़ रहा है, आपका बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। अगर वो नहीं पढ़ रहा है, आपके पास हमारे नंबर है, आप हमें कॉल करके बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, सभी बोला कि कोटा भेज दो, ये कर दो, मैं बोली नहीं, मेरी औकात नहीं कोटा भेजने को, ऑनलाइन भी कोई वो नहीं है कि गरीब के बच्चे नहीं, सब कोई पढ़ना होगा तो गरीब के बहुत करता है मैम, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल बहुत छोटे छोटे एरिया से आते हैं, बहुत अच्छा कर जाते हैं, सब बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चे अच्छा करे। बस मैडम देखो ना, टीवी देखती है, पढ़ाई में सब कुछ में है, अब देखो इनके ऊपर है कि आगे चल के क्या होता है, वो तो जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा, अभी मैं क्या बताऊं। जी मैम, जी जी हाँ, किसी और के पेरेंट्स बात कर, कुछ और डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, साक्षी की मदर है। यस मैम, नमस्ते आंटी। क्या? यस मैम बताइए, कैसी पढ़ रही है साक्षी? अभी सही कर रही है, लेकिन जितना उसको करना चाहिए वो वैसा नहीं कर रही है। मतलब अभी जैसे अगर आप आपने उसका नंबर देखे, उसका नंबर कितने आए हैं अभी टेस्ट में? यस मैम, ऑफलाइन टेस्ट नहीं आए थे ना वो? 335 आया था। 335, तो अब ये चीज है कि वो 335 में नीट तो नहीं पास कर पाएगी, तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जब भी वो क्लास ले रही है तो क्लास में वो सीरियसली ले, जो हम उसको टाइम टेबल दे रहे हैं वो टाइम टेबल अच्छे से फॉलो करे। आपको अगर वो नहीं कर रही है तो आपको उसे बार बार बोलते रहना है, आप उसको याद दिलाते रहना है, क्योंकि बच्चे हैं और उनको ये रहता है कि थोड़ा टीवी देखने लग गए, इधर उधर लगे, हो जाता है बच्चों के साथ ये चीज। एंड एक और चीज ना, सारे पेरेंट्स से कितना भी इसको बोलो ना, सुनती नहीं है पढ़ने के लिए, तो आपको उसे डांटना है तो उसको डांटो, या फिर उसको बोलो कि नीट से तुम हट ही जाओ, तुम मत ही करो नीट। दो ही ऑप्शन है, या तो मेहनत करनी है या बिल्कुल छोड़ देना, बीच में नहीं अटका के रखना है। आपके पेरेंट्स को, आप लोगों से होप है, आपके पेरेंट्स आपको पढ़ा रहे हैं, मीन्स आपसे कुछ चाहते हैं, वो आप कुछ करो। एंड एक और चीज ना, सभी पेरेंट्स से मैं एक चीज और रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप अपने बच्चों पे बोर्ड एग्जाम्स के लिए बिल्कुल प्रेशर मत बनाओ, स्कूल जाने के लिए भी बिल्कुल प्रेशर मत बनाओ। अगर आप लोग इनके स्कूल में बात कर सकते हो कि इनको एटलीस्ट हफ्ते में 1 या 2 दिन ये स्कूल छोड़ दे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये होता है ना कि हमारे पहले टाइम में होता था बोर्ड एग्जाम में हमको 90% 95% लेके आना जरूरी होता था, क्योंकि 95% हमारे मार्क्स आएंगे तभी हमको आगे एडमिशन मिलता था। लेकिन आज का जो टाइम है ना वो इतना चेंज हो चुका है, इसमें बोर्ड एग्जाम्स का सिर्फ पास होना जरूरी है बच्चे को, उसमें ये नहीं कि उसको स्कूल नहीं जाती है तो घर पे भी तो नहीं पढ़ती है, घर पे भी बस सोई रहेंगी 10-11 बजे तक वैसे ही कर रहती रहेंगी। नहीं, ये तो गलत कर रही है ना, इसीलिए उसके नंबर कम आ रहे हैं। घर पे भी रह के पढ़ाई नहीं करती है, टाइम वेस्ट करती है सिर्फ। अब साक्षी, अब आपको देखना है टाइम वेस्ट करना या फिर आपको पढ़ाई करनी है। मैम रात में लेट हो जाता है सोने में, इसलिए सुबह थोड़ा लेट उठते हैं। अभी सिर्फ आपकी जो नींद है ना वो 6 से 7 घंटे होनी चाहिए, उससे ज्यादा आपको नहीं सोना, आदत बना लो ये, इससे ज्यादा आपको नहीं सोना, ठीक है? तो सभी पेरेंट्स आप अपने बच्चों को मतलब स्कूल पे जाने के लिए बिल्कुल फोर्स मत करें कि डेली स्कूल जाओ। स्कूल में जाके जरूरी होता है स्कूल जाना, लेकिन स्कूल जाने से ज्यादा जरूरी अगर उनका ऐसे ही घर पे बैठ के वो पढ़ाई कर रहा है तो बहुत अच्छी चीज है,
क्योंकि स्कूल में जाएंगे, स्कूल में जाके उनका टीचर है वहां पे पढ़ाने के लिए, बहुत सारे स्कूल्स में बच्चों के पास टीचर नहीं होता है या फिर वो स्कूल में टाइम पास करते हैं ऐसे ही, इससे अच्छा होगा कि वो घर पे बैठ के अच्छे से पढ़ाई करे। एंड जो भी आपका बच्चों के ऑनलाइन टेस्ट देते हैं ना, हर संडे हमारे ऑनलाइन टेस्ट होता है, तो उसमें आप एक और हमारी हेल्प कर सकते हैं कि आप अपने बच्चे को देखें, जो बच्चा टेस्ट दे रहा है वो चीटिंग करके तो नहीं दे रहा है। बिकॉज हमारे पास बहुत सारे बच्चों की कंप्लेन आ रही है कि बच्चे ऑनलाइन में जब टेस्ट देते हैं, मतलब घर बैठ के जब टेस्ट देते हैं, तो बहुत अच्छे नंबर लेके आ रहे हैं, लेकिन जब हम उसको अवंती के सेंटर पे बुला के टेस्ट लेते हैं तो वहां पे कुछ नंबर नहीं आते उसके। तो कहीं ना कहीं बच्चा तो टीचर्स को चीट कर रहा है ना, हमें कैसे पता चलेगा बच्चा अच्छा कर रहा है? सिर्फ इस बेसिस पे बच्चे के नंबर कैसे आ रहे हैं, लेकिन वो घर बैठ के चीटिंग करके नंबर देते हैं और हमें रहता है बच्चा अच्छा कर रहा है। तो आप बस ये ध्यान रखिएगा कि बच्चों के सिर्फ एक चीज कि उनको नीट एग्जाम क्लियर करना है, नीट की बेसिस पे ही उनको एडमिशन मिलेगा अच्छे मेडिकल कॉलेज में। बोर्ड एग्जाम के नंबर अब कोई नहीं पूछता है, कोई नहीं पूछेगा बोर्ड्स में कि आपके 90% आए या 70% आए। बस ये मुझे आप लोगों से चाहिए। एंड अब हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों को, मैं आपको टाइम टेबल दिखा देती हूँ कि आप लोगों का क्या टाइम टेबल, बोर्ड एग्जाम और नीट एग्जाम में आपको हमने बता दिया है। बोर्ड एग्जाम के मार्क्स अब हमारे लिए ज्यादा जरूरी नहीं है, हमारा जो फोकस है वो नीट है, जो हमारा 5 मई को एग्जाम होने वाला है। अब मेन चीज आती है आप लोगों को नीट और बोर्ड्स को कैसे मैनेज कर सकते हो, तो सबसे अच्छे जरूरी है मैनेज करने का ये मैम। मेरी मम्मी ना मतलब बहुत हिंदी नहीं बोल पाती, तो आप बात करेंगे क्या? हाँ बताओ मैम। मैम वो ना मुझे 8 बजे से पहले अभी ट्यूशन जाना है, तो मैम मम्मी से बात कर लीजिए आप। अब बताओ। अच्छा एक बार ना एक काम करते हैं, हम एक बार अपना ये टाइम टेबल मैं आपको बता देती हूँ, फिर मैं आपके पेरेंट्स से बात करती हूँ, ठीक है? एक बार टाइम टेबल मैम मेरे को ये पूछना था, आप ड्रॉपर के हिसाब से भी टाइम टेबल बताओगे या केवल बोर्ड्स वालों के लिए? नहीं नहीं, सबके लिए, ड्रॉपर्स वालों के लिए भी, बोर्ड्स वालों के लिए भी, दोनों के लिए, ठीक है? अब जो हमारे ड्रॉपर वाले बच्चे उनको तो बोर्ड्स का कोई टेंशन है ही नहीं, उनके पास तो सिर्फ एक फोकस है नीट, और तब भी आप लोग नीट में अच्छा नहीं कर रहे हो, जो आप लोग ऑफलाइन टेस्ट देते हो अच्छा नहीं कर रहे हो आप लोग, सीरियसली बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। तो आप लोग जो नीट का सिलेबस है वही बोर्ड्स का सिलेबस है, आप लोगों को सिर्फ क्या करना है, टॉपिक्स अच्छे से पढ़ने हैं सारे 12th के, बस उनको पढ़ने के बाद आप लोगों को वहां से PYQs लगाने हैं, आप लोगों को रिपीटिव रिविजन्स करना है, आप लोगों को NCERT पे फोकस करना है, ये आपको करना है, तो आप लोगों का बोर्ड और नीट एक साथ हो जाएगा। जैसे अभी आपको हर्षिता दीदी ने बताया, उनके 91% थे एंड वो बिल्कुल फोकस नहीं कर रही थी, सिर्फ और सिर्फ नीट एग्जाम को लेके ही वो पढ़ रही थी, पूरा 12th नीट बेसिस पे उन्होंने काम किया था तो उनका हो गया था। अब आ जाता है आप लोगों का टाइम टेबल। अब पेरेंट्स अच्छे से इस टाइम टेबल को देख लें कि जो मैंने बच्चों के लिए टाइम टेबल बनाया हुआ है, इसमें अगर आप चाहें आप थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, लेकिन ज्यादा चेंजेस नहीं। वीक डेज का मतलब है जब आप स्कूल जा रहे हैं मंडे से फ्राइडे वाला, और मैं हर बच्चे से अब ये एक्सपेक्ट करूंगी कि वो सैटरडे की छुट्टी रखेगा ही रखेगा। अगर आप लोगों का स्कूल में कोई प्रैक्टिकल या बहुत इम्पोर्टेंट टेस्ट या एग्जाम नहीं है तो सैटरडे आप लोगों को ऑफ लेना ही लेना है। तो अगर आप स्कूल जा रहे हैं, जिनका मॉर्निंग स्कूल है उनके लिए अभी ये शेड्यूल है, आप लोगों को डेली सुबह 5 बजे उठ जाना है। अगर आप अभी 8 बजे उठ रहे हो तो आप 7 बजे उठना शुरू करो, कल से 7 बजे उठ रहे हो, 6 बजे, ये नहीं कि आप डेली अब 8 बजे उठ रहे हो तो आप 5 बजे उठ जाओगे, नहीं हो सकता, ठीक है? हमारी बॉडी जो है, हमने जो आदत अपनी बॉडी को डाली हुई है ना 8 बजे उठने की, वो वही आदत बनी हुई है। तो यहाँ पे हर एक पेरेंट को ये चीज ध्यान रखना है कि अगर आपका बच्चा अभी जिस भी टाइम उठ रहा है आपको उससे 1 घंटा पहले कल सुबह उठा देना, ठीक है? लेट नाइट स्टडी करता है उसके हिसाब से, मतलब तो उसको क्या करना चाहिए बेटा? अगर आप लेट नाइट स्टडी कर रहे हो आप ड्रॉपर्स होंगे श्योरली। Yes, तो ड्रॉपर्स वाले बच्चों के लिए भी मैं बताऊंगी उसके लिए क्या है, ड्रॉपर्स वाले बच्चों के लिए भी बताऊंगी, ठीक है? Yes, विवेक मैम, एक्चुअली मेरा भी ना थोड़ा रात पे रहता है पढ़ने का। हाँ तो उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने अगेन आपको एक चीज बताई थी, आपके आवर्स मैटर करेंगे, आप कितने घंटे पढ़ रहे हो, ठीक है? तो ये चीज ध्यान रखना है बच्चों आप लोगों को, अलार्म सबके सब सेट कर लेना उठने का, तो आपका जो टाइम है वो 1 हफ्ते में सबका 5 बजे हो जाना चाहिए,
उसके बाद आप लोग अपना 20 मिनट लेंगे फ्रेशन अप होने के लिए, एंड सुबह आप लोगों का एक स्लोट हमेशा होना चाहिए स्कूल जाने से पहले पढ़ने का। चाहे आप उस स्लोट में कुछ नया टॉपिक पढ़ो, या फिर आप उस स्लोट में आप हो सकता है आप रिविजन करो या क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, चॉइस आप लोगों का है, ठीक है। लेकिन आप लोगों का स्कूल जाने से पहले स्लोट होना चाहिए पढ़ने का, उसमें आप रिविजन कर सकते हैं। रिविजन करने होता है ना सुबह सुबह, नींद नींद में होता है तो, या कोई लेक्चर देख लो आप ऑनलाइन, फिजिक्स का कोई आपका चैप्टर पेंडिंग है जो आपने अब तक नहीं पढ़ा, नोट्स नहीं बना, आप लेक्चर चला के बैठ जाओ, लेक्चर चला के सुन सकते हो, पढ़ सकते हो, या बहुत आसानी से कर सकते हो, ठीक है। फिर आप लोगों का स्कूल होगा, जितने मॉर्निंग स्कूल वाले बच्चे हैं 7 से 2 बजे तक मैंने टाइम डाला है, 2 बजे ही आते हैं ना बच्चे? यस मैम। हाँ तो 2 बजे तक मैंने डाला है, आप लोगों को आधा घंटा दिया है लंच करने। अब यहाँ पे कोई मुझे ये नहीं बोलेगा मैम स्कूल से आने के बाद बहुत थकान हो जाती है, ठीक है। थकान वकान नीट एग्जाम के बाद रेस्ट लेना, नीट एग्जाम मई में हो जाएगा, अराउंड जून में रिजल्ट आता है, पूरा एक महीना आप लोग मस्ती करना, फिर जुलाई के भी एंड में, जुलाई के भी वो सितंबर में जाके आपका काउंसलिंग स्टार्ट होती है, उसके बाद 5-6 महीने मिलेंगे आपको आराम करने के लिए। तो अभी सिर्फ अभी 4 महीने पढ़ लो ताकि आपको 6 महीने का रेस्ट मिल जाए। अगर अभी 6 महीने नहीं पढ़ोगे ना तो पूरा 1 साल आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, 12th वाले सारे बच्चों को ड्रॉप लेना पड़ेगा फिर से। जो चीज अभी पढ़ रहे हो उसी को इतने अच्छे से पढ़ लो ताकि आपको वापस से ना पढ़ना पड़े, फिर आप लोग एमबीबीएस में जाओ और एमबीबीएस में जाके पढ़ो। तो 2:30 से 4 PM तक आप लोग एक सब्जेक्ट चूज करोगे फिजिक्स और केमिस्ट्री में से। डेली टारगेट भी मैं आप लोगों को दूंगी आज, कि आप लोगों के डेट वाइज मैंने टारगेट बनाए हैं, आप उसमें से कोई भी एक टारगेट ले लेंगे या फिजिक्स करेंगे, चॉइस आपका है, क्योंकि ये एक एक्टिव टाइम होता है, आपको इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। एंड फिर उसके बाद आप लोग 20 मिनट्स का ब्रेक लेंगे, फिर ब्रेक के बाद आप फिर 4:20 से 6 तक अगेन, अगर आपने 2:30 से 4 में केमिस्ट्री पढ़ा है तो यहाँ पे आप फिजिक्स पढ़ सकते हैं, ऐसा आप कर सकते हैं, ठीक है। वो आपको टारगेट के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि जो मुझे शिवानी मैम ने आज का टारगेट दिया है वो मेरा टारगेट फिनिश हुआ या नहीं हुआ। और जब तक आपका डेली टारगेट फिनिश नहीं हो जाएंगे तब तक किसी को नींद नहीं आनी चाहिए, सबकी नींद उड़ जानी चाहिए एटलीस्ट 4 महीने तक, ठीक है। बैकलॉग्स नहीं रखना है, अगर आप डेली टारगेट नहीं करोगे आप लोगों के बैकलॉग इकट्ठे होते चले जाएंगे, सिलेबस टाइम पे फिनिश नहीं होगा। फिर 15 मिनट का ब्रेक होगा, देन उसके बाद आप लोगों का 7 से 10 बजे तक मैं मान के चल रही हूँ ऑनलाइन क्लासेस होता है अवंती के साथ, तो आपका 6:15 से 7 का जो टाइम है, जो टीचर फिजिक्स की क्लास है तो फिजिक्स का रिविजन कर लिया जो टीचर ने एक दिन पहले पढ़ाया, बायो क्लास है तो बायो में रिविजन कर लिया, केमिस्ट्री क्लास है तो केमिस्ट्री का रिविजन कर लिया, ऐसे आपको रिविजन करना है उस टाइम में 45 मिनट्स में। 7 से 10 आप क्लास लेंगे अगर आप क्लास ले रहे हो, अगर आप क्लासेस नहीं लेते हो ऑनलाइन रिकॉर्डिंग देखना चाहते हो जो आप करना चाहते हो वो कर सकते हो। उसी टाइम के बीच में आपको पता है ना आपका 8 बजे तक एक क्लास चलता है फिर 8:30, तो उसी बीच में आपको डिनर करना है, डिनर के लिए अलग से टाइम नहीं मिलेगा, या फिर आपका एंड में मैंने टाइम रखा हुआ है आधे घंटे का, उसमें आप डिनर कर लो, उसमें आप ब्रेक लो, फैमिली टाइम आपका जो होता है वो। अब इस फैमिली टाइम में जितने भी पेरेंट्स है ना वो अपने बच्चे का ये टाइम टेबल पूछेंगे कि जो आपको शिवानी मैम ने टारगेट दिया था क्या आपने वो फिनिश किया या नहीं किया, इसमें आपको पेरेंट्स का थोड़ा हेल्प लगेगा। एंड देन उसके बाद 10:30 से 11:30 एक घंटा आपको बायो एंड केमिस्ट्री में से चूज करना है। अगर आपने पूरा दिन केमिस्ट्री किया है तो आप यहाँ पे बायो कर सकते हैं, पूरा दिन फिजिक्स किया वो अगेन आप लोग अपने डेली टारगेट के अकॉर्डिंग जाएंगे जो आपको डेली टारगेटेड हमने दिया है। तो इस बेसिस पे आप पीसीएमबी वाला बेटा, पीसीएमबी में से आपको चूज करना पड़ेगा ना कि आपको नीट देना है जेई देना है। अगर आपको जेई एग्जाम देना है तो आप पीसीएम लो। मैम नीट दे रहा हो तो फिर भी बोर्ड में तो मैथ करना पड़ेगा ना। हाँ तो बोर्ड्स के लिए मैथ करना इतना ज्यादा मत करो ना उसको कि 100% करके चलो। पीसीएमबी वाले मैथ्स इतना पढ़ो कि आप पास हो जाओ, सिर्फ पासिंग के लिए पढ़ो और वो स्कूल स्कूल में फिनिश कर लो स्कूल के टाइम में, ऐसे करो। तो इस बेसिस पे स्कूल नहीं जा रहे तो फिर तो बहुत टाइम है आपके पास, जो 7 से 2 वाला टाइम है इसमें करो। सेल्फ स्टडी आपका 5 से 6 आवर्स आप स्कूल के साथ मैनेज कर सकते हो। स्कूल में भी जब भी आपको फ्री टाइम मिले, कुछ भी फ्री लेक्चर मिले, उसमें रिविजन करोगे। नया नहीं पढ़ना है, नया पढ़ना सिर्फ तब पढ़ोगे जब आपने पुराना पढ़ा हुआ अच्छे से रिवाइज किया हुआ होगा। सैटरडे अगर आप स्कूल ऑफ ले रहे हो, ये टाइम टेबल हमारे ड्रॉपर्स के लिए भी फॉलो होगा। ड्रॉपर्स वाले बच्चों के लिए ये वाला टाइम टेबल होगा कि आप लोग सुबह 6 बजे उठेंगे, फिर उसके बाद आप लोग
6:20 मिनट का ब्रेक वही आपका फ्रेशन अप के लिए। 8 बजे तक आप अपना बायो करेंगे, मॉर्निंग में मैंने आपका बायो रखा है बिकॉज सबसे एक्टिव टाइम पीरियड होता है ये आपका। फिर 8 से 9 आपका ब्रेकफास्ट टाइम होगा 1 घंटे में, जिसमें आपका नहाना है, ब्रेकफास्ट करना है, जो भी करना है वो करो। फिर 9 से 11 तक आप फिजिक्स करोगे, फिर 20 मिनट का ब्रेक, 2 घंटे के बाद मैंने आपको 20 मिनट का ब्रेक दिया है। फिर आपका 11:20 से 1 केमिस्ट्री, आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट स्विच कर सकते हो जो मैंने आपको टारगेट में दिया हुआ है। यही आप पूरा का पूरा सेम आप फॉलो करोगे तो ड्रॉपर्स वाले बच्चों का एटलीस्ट 10 से 11 घंटे होना चाहिए सेल्फ स्टडी टाइम। अगर आप इतना पढ़ रहे हो इट मीन्स आप अच्छे सही चल रहे हो। जो बच्चे स्कूल नहीं जाते उनके लिए ये फॉलो होगा। एंड संडे में आपका टेस्ट होता है तो उस अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों का सुबह 8 बजे उठने का बनाया, क्योंकि आप रात 12:30 बजे तक पढ़ोगे तो संडे ऑब्वियसली आप लोग नेक्स्ट डे किस टाइम उठोगे, 8 बजे उठ गए या 7 बजे उठ गए, वो आपका चॉइस है, ठीक है। फिर आप 8 से 9 ब्रेकफास्ट का टाइम देखो बिल्कुल सेम रखा है मैंने। डेली आप लोगों का जो टाइम है ना, लंच डिनर ब्रेकफास्ट सब एकदम सेम हो जाना चाहिए, एक ही फिक्स टाइम होना चाहिए सबका। तो 8 से 9 संडे से हो सैटरडे हो कुछ भी हो, ये नहीं कि 11:11, 12:12 बजे आप कर रहे हो। 9 बजे से 1 बजे तक आप क्या करोगे, अगर आपका ऑनलाइन टेस्ट है उसी ऑनलाइन टेस्ट के लिए आप रिविजन करोगे पूरा सिलेबस। ऑनलाइन टेस्ट का रिविजन करोगे बैठ के 9 से 1 बजे तक। फिर आपका 45 मिनट का ब्रेक लोगे 1:45। और अब से एक रूल बना लो सबके सब, ऑनलाइन दे रहे हो टेस्ट या कुछ भी दे रहे हो, आपको जो टेस्ट देना है वो 2 बजे से 5 बजे के बीच में देना है, क्योंकि उस टाइम को हमें सबसे एक्टिव टाइम बनाना है, क्योंकि हमें पता है हमें नीट एग्जाम भी इसी टाइम पे देके आना है ना। ये नहीं कि कोई इस टाइम पे सो रहा है, तो अपने ब्रेन को ये हैबिट बना लो कि मुझे 2 से 5 के बीच में ही टेस्ट देना है, ये टाइम सबका सेम होना चाहिए। एंड अब से हम लोग जो आपका टेस्ट लेंगे वो 2 से 5 तक ही एक्टिव रखेंगे उसको, ये करेंगे। फिर आपका वही 40 मिनट ब्रेक, बिकॉज आपने 3 आवर्स का टेस्ट दिया इतना ब्रेक मिलता है। फिर 6 to 8 सेल्फ स्टडी, 8 to 9 आप डिनर, देन 9 to 12 सेल्फ स्टडी करोगे। तो आपका इस अकॉर्डिंग 8 से 9 घंटे मतलब 9 से 10 के आसपास चल रहा है आपका ये टाइम। 12 बजे आप सो जाओगे, फिर नेक्स्ट डे उठोगे यही वाला फॉलो करोगे, 6 बजे उठना वही पूरा दिन पढ़ना। टाइम टेबल सबको समझ आ गया मैम? ऑफलाइन टेस्ट 2 बजे। हाँ बेटा मैम 8 बज गए मुझे ट्यूशन जाने, मम्मा से बात कर लीजिए आप। हाँ हाँ कराओ कराओ करो। हेलो। हाँ जी मैम बताइए। नमस्ते मैम। यस नमस्ते मैम। हाँ जी मतलब पूजा पढ़ रही है आपके पास में, आप बायो पढ़ाते हो? हाँ मैं बायो पढ़ाती हूँ। तो पूजा आप ड्रॉपर से हो ना? नो मैम, मैम 12th क्लास। अच्छा हाँ 12th क्लास से हो। नहीं पूजा अभी मुझे उसका आपने ऑफलाइन टेस्ट दिया था पूजा? नो मैम। तो सबसे बड़ी गलती तो आप यही कर रहे हो मैम। अभी 2-3 टेस्ट मिस हो चुके हैं मेरे। तो बेटा टेस्ट नहीं दोगे तो हमें पता कैसे चलेगा आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो घर पे? रेगुलरिटी नहीं हो रही बिल्कुल भी स्टडी की। तो रेगुलरिटी कल से टाइम टेबल फॉलो करना मैम। आप ये ध्यान देना जो मैंने टाइम टेबल दिया है बच्चे को ये फॉलो कर रही है नहीं कर रही है। एंड अभी हमारा जो नेक्स्ट टेस्ट है ऑफलाइन वो 31 दिसंबर को होने वाला है, तो आप इसको जरूर भेजना टेस्ट के लिए, तभी हमें पता चलेगा पढ़ रही है अच्छे से नहीं पढ़ रही है, ये आप ध्यान रखना ठीक है। ओके तो टाइम टेबल सबको क्लियर है। एंड इसके बाद आ जाते हैं अब हमारे डेली टारगेट पे। अब डेली टारगेट जो है मैंने आप लोगों के कल से बनाए हैं, 15 दिसंबर से 28 जनवरी तक बनाया है मैंने आपका। मैम फिर हमारी प्री बोर्ड भी है। कब है प्री बोर्ड? मैम स्टार्ट हो गए। स्टार्ट हो गए मैम 16 तारीख से। हाँ तो प्री बोर्ड आपके हैं, तो प्री बोर्ड में आपको क्या करना है? प्री बोर्ड्स के लिए अगर आपका केमिस्ट्री का है, अच्छा प्री बोर्ड में आपका फुल सिलेबस आ रहा होगा ना? यस मैम। कब से कब तक है मैम? 27 से 23 तक। तो बेटा आपको सिर्फ एक चीज मैम, मतलब मेरा ये कहना है कि मैम मतलब 3-4 दिन जो होगा ना मैम बस ऊपर नीचे होगा, क्योंकि जैसे हिंदी हो गई इंग्लिश हो गई तो एटलीस्ट एक दिन तो अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा ना मैम। वो आप अपने अकॉर्डिंग करके चलना, क्योंकि आप देखोगे ना टाइम टेबल में मैंने क्या किया ना, एक दिन में आपके मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट रखे हैं, 2 से ज्यादा नहीं रखे हैं।
तो आप बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हो। तो मैंने जो आपको सेल्फ स्टडी वाला टाइम दिया है कि आपको दो घंटे ऐसे करना है, तो अगर आप लेट्स सपोज मान के चलते हैं, कल मैंने आप लोगों को इवोल्यूशन ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज, इवोल्यूशन पढ़ रखा है, दोनों चैप्टर हमने पढ़ रखा है, मैक्स टू मैक्स इसको रिवाइज करने में हमको दो घंटे जाएगा, सिर्फ दो घंटे में हम इसको, दो घंटे से भी कम में हम इसको रिवाइज कर सकते हैं, कर सकते हैं। Yes, ma'am. सेम आप लोग फिजिक्स का करोगे, फिजिक्स में मैंने आप लोगों के लिए दो चैप्टर रखे, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, इन दोनों चैप्टर के आप लोगों ने नोट्स बना रखे होंगे। यस मैम। तो आपको नोट्स रिवाइज करने हैं और आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। मैम क्वेश्चन प्रैक्टिस में सिर्फ पीवाईक्यू करने होंगे? हाँ, क्वेश्चन में सिर्फ पीवाईक्यू करना, अच्छे से पढ़ लो, पढ़ने के बाद फिर पीवाईक्यू करो, पीवाईक्यू करने के बाद अगर आपसे पीवाईक्यू नहीं हो रहा है तो वापस से कॉन्सेप्ट्स में जाओ और ये चीज एनालाइज करो कि आपसे पीवाईक्यू क्यों नहीं हो रहा है, आपने कौन सा कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं पढ़ा, ये चीज एनालाइज करो। मैम ये सब मेरे पास ना मतलब पीवाईक्यू की बुक नहीं है, मेरे पास मॉड्यूल है फिजिक्स वाला की, तो मतलब मैम वो भी ठीक है ना? हाँ, जहां से करना है बेटा वहां से करो, लेकिन इसको फॉलो करना है, ये टारगेट्स आप लोगों के बनाने में ना बहुत मेहनत लगी है, सीरियसली बहुत ज्यादा, क्योंकि आप लोगों के जो ऑफलाइन ऑफलाइन टेस्ट है ना, उन ऑफलाइन टेस्ट को ध्यान में रख के मैंने टारगेट बनाए हैं ताकि आपका कुछ भी मिसमैच ना हो, लेकिन आप लोगों को प्री बोर्ड है, आप लोगों के प्रैक्टिकल है, बोर्ड है, उसके बीच में इसको मैनेज करके चलना है, चाहे आपको एक्स्ट्रा टाइम देना हो, कुछ भी करना हो, जैसे नोट्स ना बने हो किसी किसी चैप्टर के तो क्या करें? अगर नोट्स नहीं बने हुए तो आप लोगों को पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना है, डिटेल्ड लेक्चर्स देखना है। मैम हमें कम से कम एक दिन में कितने क्वेश्चंस कर लेने चाहिए एक चैप्टर से? बेटा एक चैप्टर के आप लोगों को पीवाईक्यू करने हैं और लास्ट आप लोग 2005 प्लस वाले पीवाईक्यूज करके चलो, ठीक है? और पीवाईक्यूज कहाँ से, डीपी पीवाईक्यूज के लिए आप लोगों को तो पता है आपके पास बुक्स हैं एमटीजी वाला, और इसके अलावा भी आप लोगों को डीपीपीज भी मैं प्रोवाइड कराऊंगी, फिजिक्स की भी, केमिस्ट्री की भी, बायो की भी, एक शीट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जिसमें सारी चीज आपको मिलेगा, ठीक है? ये चीज, बट एक चीज आप लोगों को मुझे प्रॉमिस करना है कि ये टारगेट आप लोगों को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अगर आप लोगों ने टारगेट फॉलो किया, देखो अभी मैं आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ टारगेट्स, एक टारगेट सेगमेंट भी दिखाते हैं, आप लोग पहले अपना टारगेटेड स्कोर देख लो, बिकॉज़ वो पूरा का पूरा शीट में मैंने बनाया हुआ है किस दिन आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर अब आता ना आप लोगों को कितना हमारा कट ऑफ होना चाहिए, जितने जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी उनका जो टारगेटेड स्कोर है वो 600 रखना चाहिए कि मुझे एटलीस्ट 600 तो लेके आना ही आना है, ठीक है? एससी वाले 550 प्लस, एसटी वाले 500 प्लस, इससे कम में कुछ नहीं होगा। अगर आप लोगों को अब इतना करना है तो सब्जेक्ट वाइज आपको कितना करके चलना है, फिजिक्स में आप लोगों का एटलीस्ट 120 प्लस, केमिस्ट्री में 140 प्लस, बायो में 330 प्लस, ये सब्जेक्ट वाइज स्कोर आपको करना है, ठीक है? जनरल के लिए बताया ना रेशम 600, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी इतना होना चाहिए आपका एटलीस्ट। 31 दिसंबर का सिलेबस क्या होगा बताऊंगी ना, तो अब मेन चीज हमारी क्या आती है, अब हमको सिर्फ कंसिस्टेंसी बना के रखनी है, टाइम टेबल सिर्फ क्या करना है आप लोगों को, टाइम टेबल जो मैंने दिया वो फॉलो करना है, जो मैंने आप लोगों को डेली टारगेट दे दिया उन डेली टारगेट को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। वो पीडीएफ फॉर्म में मैं आप लोगों को टारगेट दे दूंगी, इफ पॉसिबल उसका प्रिंट आउट निकलवाना हो, जहां पे बैठ के पढ़ाई करते हो ना वहां पे पेस्ट कर लेना उसको, और डेली टारगेट होते रहे वहां पे टिक करते रहना, और बाय चांस हो सकता है किसी दिन आपकी तबियत खराब हो गई कि आपका एक दिन का टारगेट मिस हो गया, तो नेक्स्ट डे आप चाहे स्कूल मिस करो चाहे कुछ भी मिस करो, लेकिन अपना पहले दिन का टारगेट फिनिश करके चलोगे, एकदम बिल्कुल होता है ना डू एंड डाई वाली कंडीशन, इतना सीरियस आपको होना पड़ेगा। एंड अगर आप इस टारगेट को बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो कर लोगे ना, तो आपका 28 जनवरी तक पूरा 11th एंड 12th फिनिश हो जाएगा विद रिपीटिव रिविजन, रिपीटिव रिविजन के साथ आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है? तो मैं अब आप लोगों को टारगेट दिखा देती हूँ। अमिता मैम मेरा एक प्रॉब्लम हो रहा है। बताओ क्या प्रॉब्लम हो रहा है। मैम आवाज नहीं आ रही। मैम
मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, आपकी तो आ रही है मैम, अभी नहीं आ रही थी, बीच में बहुत सन्नाटा हो गया था, मैं बोल ही नहीं रही थी। मैम बोलू? हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। मैम मेरा क्या हो रहा है, मैं तो ऑफलाइन टेस्ट नहीं दे पा रही हूँ, तो मुझे फोन से एग्जाम देना पड़ रहा है। अगर आप ऑफलाइन टेस्ट नहीं दे पा रहे हो ना, तो मेक श्योर कि आप जितने भी ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हो ना, वो ऑनलाइन टेस्ट आप सीरियसली दे रहे हो, बिना चीटिंग के, नोटबुक सामने नहीं होनी चाहिए, प्रॉपरली दे रहे हो। हाँ मैम प्रॉपरली दे रही हूँ, पर मैम क्या हो रहा है, फोन से दे रही हूँ ना, तो ठीक मतलब एग्जाम की जैसा नहीं लग रहा है। हाँ तो कोई अनुष्का, ये वाली प्रॉब्लम मैं आपकी सॉल्व कराऊंगी, आपको मैं पर्सनली टेक्स्ट करूंगी। ओके मैम ठीक है, चलो तो ये रहे बच्चे आप लोगों के डेली टारगेट्स, 15th of December से हैं आप लोगों के ये। अब आप देख लो इस टारगेट के अकॉर्डिंग आप लोगों का रिपीटिव रिविजन के साथ पूरा सिलेबस फिनिश हो जाएगा। आप लोगों का नेक्स्ट टेस्ट कब है? 31st December को ऑफलाइन टेस्ट, तो 31st December तक का जितना सिलेबस है ना, वो आप लोगों का सारा रिवाइज हो जाएगा। 24 में वो नहीं है, ऑफलाइन है, ऑनलाइन है? यस मैम वो ऑनलाइन है, ऑनलाइन है, 31st December को है। 24 में भी जो आपका टेस्ट है ना, उस दिन भी आप लोगों का सारा रिपीटिव रिविजन मैंने रखा हुआ है। तो आप लोगों को ये नहीं करना है कि अपनी मर्जी से कोई भी चैप्टर कर रहे हो, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना है। जैसे 24 दिसंबर में आप देखोगे ना, 24 दिसंबर में आप लोगों को क्या क्या आ रहा है सिलेबस में, आपका मॉर्फोलॉजी वाला आ रहा है चैप्टर, इवोल्यूशन आ रहा है, बायोटेक्नोलॉजी वाला आ रहा है, तो मैंने पूरा बायोटेक्नोलॉजी देखो रख दिया है। 20 दिसंबर में आप बायोटेक का एक चैप्टर कर रहे हो, 21 बस उसके साथ साथ एक और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चैप्टर रख दिया है, बहुत छोटे छोटे चैप्टर है, सब पढ़ रखा है एक एक बार आप लोगों ने। एंड इवन इसके साथ टीचर्स आप लोगों की ये हेल्प करेंगे कि जैसे मेरा आप लोगों के साथ कल क्लास होगा, तो उस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं ना, इवोल्यूशन, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, आप लोग पढ़ के आ जाओगे, मैं उसी का आप लोगों को एक क्विक रिकैप देके हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। फिजिक्स क्लास होगा तो अगर, लेकिन इसको स्ट्रिक्टली मत मान के चलना कि टीचर्स ने करा दिया, ये टीचर्स का कॉल नहीं है, आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये करना, टीचर्स कराए नहीं कराए वो टीचर्स का कॉल है, ठीक है। लेकिन आप टीचर्स से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, टीचर्स से बोल सकते हैं कि मेरा ये वाला चैप्टर नहीं हुआ, या डाउट्स आपके टीचर्स लेंगे क्लास में, टीचर्स आप लोगों के डाउट लेंगे। एंड जितना आप लोगों को यहाँ पे टारगेट, बट इसको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, ये सब आप लोगों का जितने टेस्ट है ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, उस टेस्ट के बेसिस पे बनाया हुआ है। एंड अब आप खुद देखो आप लोगों का सिलेबस कहाँ तक फिनिश हो रहा है, आपका जो 12th का फर्स्ट FST होगा ना, 14th January को होगा, 31st December के बाद 14th January को आपका 12th FST होगा, तो पूरा 12th का सिलेबस आप लोगों का 12th January 13th January में आपका पूरा प्रैक्टिस कराया जाएगा क्लास में, टीचर्स आप लोगों को प्रैक्टिस कराएंगे, आप लोगों को पूरा रिवीजन करके आना है, ठीक है। आप लोगों का 14th January में हो जाएगा, और टेस्ट देके आने के बाद भी आप लोगों का, अब तक क्या करते होंगे, टेस्ट देके आए और थक गए हम तो, लेट गए, कुछ नहीं पढ़ते होंगे, लेकिन उस दिन भी आप लोगों को पढ़ना है, लोकमोशन एंड मूवमेंट, बायो मॉलिक्यूल्स, जो भी मैं जितना मैंने आप लोगों को दिया हुआ है वो सब आपको करना है, ठीक है। ये ड्रॉपर्स और 12th वालों का तो सिलेबस अलग अलग था, तो मैम आपने बस ये 12th वालों के लिए उससे बनाया? ड्रॉपर्स वालों का भी तो अभी सेम ही फॉलो होगा, ड्रॉपर्स वालों का भी 12th FST 11th FST ऐसे ही चलेगा, अभी आपका 11th FST हुआ है, अब आपका 12th FST होगा, इस बेसिस पे चलेगा। 31st December को भी आई गेस आपका 11th FST होगा, एंड फिर आपका 12th FST होगा, ठीक है। अब आप देखें आपका नेक्स्ट 11th का पूरा सिलेबस जो है ना, वो 28 January तक फिनिश हो रहा है, आपका ऑफलाइन टेस्ट है 28 January को, आपका 11th का ऑफलाइन टेस्ट है, और वो आपका तब तक रिपीटिव सिलेबस, रिपीटिव रिविजन के साथ आप पूरा फिनिश कर लोगे। लेकिन वही चीज आपको ध्यान रखनी है, रिपीटिव रिवीजन रखना है और स्ट्रिक्टली टाइम टेबल को फॉलो करना है, जितना पॉसिबल हो पाए स्कूल को स्किप करना है, क्योंकि आप खुद देख रहे हो स्कूल जाने में आप सिर्फ 5 से 6 घंटे पढ़ाई कर पा रहे हो सेल्फ स्टडी, ठीक है। और स्कूल स्किप करने के बाद आपका वही 10 से 11 घंटे हो जा रहा है, जो सैटरडे ऑफ वाला टाइम टेबल है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। एंड अब इसके अलावा नेक्स्ट चीज आ जाती है, ये तो आपका पूरा हो गया, यही मैं आपके साथ शीट शेयर करूंगी, इसमें आपको पूरा टाइम टेबल मिल जाएगा। अब आपको जो चैप्टर वाइज वेटेज है, मैंने वो भी यहाँ पे अपडेट कर दिया है सेम शीट में, कि आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट से 2023 में कितने क्वेश्चन आए थे, 2022 में कितने आए थे, 21 में कितने आए थे, ये सब
ये भी आप लोगों को सेम शीट में मिल जाएगा वेटेज वाला। इवन इसके अलावा एक और चीज मैंने किया है आप लोगों के लिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री के वन शॉट लेक्चर्स मैंने यहाँ पे डाल दिया है कुछ कुछ चैप्टर्स के। तो अगर आपने अब तक नोट्स नहीं बनाए हैं, कुछ नहीं किया है, तो आप यहाँ से देख सकते हो फिजिक्स का भी। तो लेकिन ये मैंने जो आपके ऑनलाइन में अवंती टीचर्स बढ़ा रहे हैं, उनका आप लोगों के पास सारे रिकॉर्डेड लेक्चर हैं। आप उन टीचर्स से पढ़ना चाहो उन टीचर्स से पढ़ लो। इसके अलावा यूट्यूब पे जितने भी बेस्ट लेक्चर्स थे इन चैप्टर्स के, वो सारे बेस्ट से बेस्ट लेक्चर्स के लिंक आपको यहाँ पे मिलते हैं। आपको खुद से यूट्यूब पे जाके सर्च करने की जरूरत नहीं है कि आप YouTube पे जाके सर्च करें। ऑन नहीं होता रिकॉर्डिंग वगैरह, कुछ भी ओपन नहीं होता है। यस मैम, मेरे में भी नहीं होता। जिसका नहीं होता है वो एक बार मुझे पर्सनली बताना, मैं ट्राई करूंगी क्या है। तो अब आपको कोई यूट्यूब पे नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है, सिर्फ ये एक सिंगल शीट फॉलो करनी है जिसमें आपका डेली टारगेट, आपका वेटेज, आपका मॉड्यूल्स भी आपको यहीं पे मिल जाएंगे। ये रहे आपके चैप्टर वाइज मॉड्यूल्स, इलेवंथ के लिंक सारे अटैच कर दिए मैंने। आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे ना तो आपका ये मॉड्यूल ओपन होके हो जाएगा। ठीक है, ये देखो। तो आप अगर आपको लग रहा है कि आपके पास नोट्स नहीं है तो आप इन मॉड्यूल से यहाँ पे पढ़ सकते हो। इसके बाद में इसके बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं, आप क्वेश्चंस कर सकते हो। एंड आपको याद होगा मैंने आप लोगों को फिजिक्स और केमिस्ट्री का ना एक वो दिया था माइंड मैप समथिंग कुछ करके। Yes, और yes, का, है ना? वहां से भी आप कर सकते हो। उसके अलावा जितनी भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीजें रिविजन के लिए वो सब आपको मिलती रहेंगी। लेकिन आप लोगों को अब एक चीज इंश्योर करना है कि 28 जनवरी तक जो मैंने टाइम टेबल दिया आप यही फॉलो करोगे। 28 जनवरी के बाद आपको क्या फॉलो करना है वो मैं बताऊंगी। ठीक है? यस मैम। मैम ये सब कुछ आप ग्रुप पे शेयर करोगे ना? हाँ जी, ये सब आपको ग्रुप पे मिल जाएगा सारी चीजें। पूरा बायो के लेक्चर्स भी मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिए हैं, आपका पूरा इलेवंथ के और पूरे ट्वेल्थ के, आपका जो मर्जी वो चैप्टर पढ़ो, डिटेल्ड वाले लेक्चर्स। मैम कहाँ पर है ये? बिटले लिंक पर। ये मैं लिंक शेयर करूंगी आपके साथ। ओके मैम, ठीक है। फिजिक्स भी केमिस्ट्री भी सब। तो अब आप लोगों का ड्यूटी है कि आप लोग इन 4 मंथ को वेस्ट करते हो या जाने देते हो। नेक्स्ट जो मैं आप लोगों के साथ बात करूंगी ना वो 1 महीने बाद 15th of January में अब हम लोग मिलेंगे और विल सी कि कितने बच्चे अच्छा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और वो मुझे ऑफलाइन टेस्ट से पता चल जाएगा किस बच्चे ने इसको फॉलो किया नहीं किया। 31st December वाले टेस्ट से मुझे पता चल जाएगा कि कौन फॉलो कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। जो फॉलो करेगा इसको स्ट्रिक्टली उसका स्कोर खुद से ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है मैम। खुशबू मैम आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ बेटा बताओ। मैम मुझे शेयर करना। मैम 31st को एसएसटी तो नहीं है ना? 31st को आपका एफएसटी होगा नहीं होगा वो मैं आप लोग आपको बता दूंगी, बट हाँ अभी मैंने एफएसटी नहीं रखा है। आपका एफएसटी नहीं है अभी, जो मैंने बनाया है ये सिर्फ इसके अकॉर्डिंग चलना है। ट्राई करना कि इस डेली टारगेट का तो एटलीस्ट आप लोग रिकॉर्ड प्रिंट आउट निकलवा लेना।